वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGT 401 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की टिप्स। आप इन तमाम टिप्स को देखें और इनमें से जो टिप्स भी आपको यूजफुल लगे उनको आप अप्लाई करें, और अगर आप तमाम टिप्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और ये टिप्स आपकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। पहली चीज़ तो ये कि ये कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इस वजह से ये एक थोड़ा डिफिकल्ट कोर्स है, लेकिन अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक आसानी हो सकती है। जो पहली टिप है और जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट टिप है वो यही है कि आप जितने भी फार्मूले हैं इसके अंदर और फॉर्मेट्स हैं और इसके अलावा और भी कई सारी डिफ़िकल्ट इसके अंदर पॉइंट्स मौजूद हैं, IAS वगैरह मौजूद हैं, तो उनको आप पेपर्स पे नोट करते जाएं। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिस फार्मूले में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिस फॉर्मेट में और जिस IAS को याद करने के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, उनको आप नोट करते जाएं पेपर्स के ऊपर, नोटबुक पे नहीं बल्कि पेपर्स के ऊपर नोट करते जाएं, और पेपर्स को एज अ कार्ड, फ्लैश कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे क्या होगा, जब आप बार बार रिव्यू करेंगे, बार बार देखते रहेंगे फार्मूले को, फॉर्मेट को और IAS वगैरह को, तो वो आपको जहन में बैठ जाएगा, और जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको वो इजीली रिकॉल हो जाएगा, और एग्ज़ाम से पहले भी, कुछ देर पहले भी एग्ज़ाम से उसको आप लाजमी जो है वो रिव्यू करें, ताकि आपको आसानी से जो है वो जैसे ही सवाल आपके सामने आया तो आप इजीली उसको रिकॉल कर सकें। इस तरीके से काफ़ी हद तक आप जो है वो जितना भी डिफ़िकल्ट इसके अंदर जो भी फार्मूले हैं या फॉर्मेट है या IAS वगैरह, उसमें आपको आसानी होगी, और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप रिकॉर्ड करें अपनी आवाज़ में, अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में, जिसमें भी आप चाहें, और वैसा तो रिकमेंडेड यही कि फ़ोन पे करें, लेकिन आपकी चॉइस है, आप किसी और डिवाइस पे भी कर सकते हैं, और उसको फिर अपनी अच्छी आवाज़ में रिकॉर्ड करें, जितनी अच्छी आवाज़ होगी आपकी उतना अच्छा आपको समझ आएगा, और उसके अलावा आप उसको हेडफोन पर सुने, जब आप हेडफोन पर सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, और सिर्फ मेन पॉइंट्स रिकॉर्ड करने, ज़्यादा रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा करने में टाइम भी वेस्ट होगा और उसका इतना फ़ायदा नहीं है जितना मेन पॉइंट्स को रिकॉर्ड करने में है, और मेन पॉइंट्स रिकॉर्ड करने से MCQs के अंदर आपको ईजिली बहुत आसानी रहेगी, जब MCQs आपके सामने आएगा और मेन पॉइंट जो है वो आपने बार बार सुना होगा तो वो क्लिक करेगा फ़ौरन, और आप ईजिली उसको सॉल्व कर पाएंगे। और शॉर्ट लेक्चर्स देखें, इस चैनल के ऊपर भी इस कोर्स का शॉर्ट लेक्चर मौजूद है, और इसके अलावा और दूसरे चैनल्स पे भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और शॉर्ट लेक्चर्स के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप तमाम लेसन्स के शॉर्ट लेक्चर देखें, बल्कि जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है आप वहाँ देखें तो, और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। असल चीज़ तो ये कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएं, और थोड़ी बहुत रीडिंग लाजमी करें जब आप लेक्चर वगैरह देख रहे हो, क्योंकि उससे क्या होगा, माइंड आपका ऑलरेडी प्रिपेयर होगा उस टॉपिक को समझने के लिए, और रीडिंग वहाँ से करें जो आपका फेवरेट मटेरियल हो, ज़रूरी नहीं है कि हैंडआउट वाला मटेरियल को ही आप लाजमी रीड करें, सिलेबस आपने वही फॉलो करना है, लेकिन मटेरियल आप और भी दूसरा रीड कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो सके तो कोई बुक यूज़ करें जो ईजी बुक आपको लगती हो, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स के साथ कि वो अगर वो ईजी बुक यूज़ करें, जो बुक उनको इजी लग रही है वो इस्तेमाल करें तो सब्जेक्ट उनको इजी लगता है, और अगर वो ऐसी बुक यूज़ कर जाएं जो डिफ़िकल्ट है तो सब्जेक्ट उनके लिए मुश्किल बन जाता है, तो बुक्स की वजह से भी स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट जो है वो इजी या डिफ़िकल्ट बन जाते हैं, ये भी एक फैक्टर है। और अगर बुक नहीं है आपके पास या बुक आप यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से जाके भी रीड कर सकते हैं, और काफ़ी ईजी मटेरियल मौजूद है वेबसाइट्स के ऊपर, और गूगल इमेजेस का इस्तेमाल करें, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो काफ़ी आपको परेशान करेंगी, उनको आप रीड करके नहीं समझ सकते, उनके लिए आप इमेजेस का इस्तेमाल करें, जब आप इमेजेस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या है, और डिक्शनरी का इस्तेमाल भी करें, कुछ टर्म्स आपको डिक्शनरी से समझ में आएंगी, डिक्शनरी अक्सर स्टूडेंट्स के पास होती है, लेकिन नहीं है अगर आपके घर में तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उसकी ऐप, वरना आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा गूगल का जो ट्रांसलेटर है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करें, उसको उसके अंदर जो है वो टेक्स्ट को कॉपी करके जब आप पेस्ट करेंगे तो वो प्रोनाउंस करेगा, अब उससे ये होगा कि विदाउट रीडिंग भी आप जो है काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ रीड करने वाली वो आपको रीडिंग नहीं करना पड़ेगी। अब ऐसे स्टूडेंट जिनको खास तौर पर रीडिंग की प्रॉब्लम होती है या रीडिंग उनसे ज़्यादा की नहीं जाती, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये सॉफ्टवेयर बहुत यूज़फुल है,
इसकी एप्स भी मौजूद हैं, आप प्ले स्टोर पे जाएं तो टेक्स्ट टू स्पीच लिखे तो बहुत सी एप्स भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा फ्री सॉफ्टवेयर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पास्ट पेपर्स का इस्तेमाल करें प्रैक्टिस के लिए, पास्ट पेपर्स से कभी आता है पेपर, कभी नहीं भी आता, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता तो पैटर्न जो है उसकी प्रैक्टिस आपको हो चुकी होगी, किस तरह के एमसीक्यूज आ रहे हैं, किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जब आपके सामने पेपर आएगा तो ऑलरेडी आप जो है वो प्रिपेयर हो चुके होंगे उस पैटर्न के लिए, तो ईजिली आप सॉल्व कर सकेंगे पेपर को। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपसे MGT 401 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की टिप्स शेयर की। आपको अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और मजीद कोर्सेज की टिप्स हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।